परमिंदर जी, क्या ये कोई साजिश है कि ये शांतिपूर्वक जुलूस निकलेगा और उस पर हमला करने की पहले से रणनीति बनाई गई हो? और मोनू माने सर का बीच में क्या एंगल है? मोनू माने सर का एंगल क्यों लाया गया? क्यों उसकी तरफ से ऐसा पोस्ट करवाया गया कि हम इस यात्रा में शामिल होंगे? बाद में ना वो खुद शामिल हुआ और उसकी इस पोस्ट के बाद और फसाद बढ़ गया। नहीं देखिए, आप जो चाहे आप किसी भी बात को लेकर चलें, ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। जब जी लॉ एंड जी ऑर्डर का मामला आता है तो इसके अंदर प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी बैठती है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व तो उस जुलूस के अंदर आता है और उसके अंदर कोई अप्रिय घटना करने का प्रयास करता है तो लॉ एंड ऑर्डर का फॉल्ट है, उसकी जवाबदेही वहां की सरकार की है। और ऐसा क्यों हुआ ये जांच का विषय है। जब ये जांच होगी इसके बाद ये सामने आएगा कि कौन कितना दोषी है। लेकिन ये बात वहां पे हरियाणा के अंदर होती है या मणिपुर के अंदर होती है तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे इस तरह की अप्रिय घटनाएं क्यों होती है, ये भी एक प्रश्न है और चिंता का विषय है देश के लिए कि पूरे देश के अंदर ऐसी अप्रिय घटना घटती है जिसके अंदर दो पुलिस होमगार्ड के जो अधिकारी थे उनकी डेथ हो जाती है और सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ और सरकार से प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति की जान की कीमत क्या है हमारे देश के अंदर। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये हरियाणा या मणिपुर की बात नहीं, पूरे देश का मामला है, पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर सरकार का फेलियर है, चाहे सेंट्रल सरकार है चाहे राज्य सरकार है, दोनों इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं। और असामाजिक तत्व की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? उन्हें 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 ना पुलिस का डर है ना उन्हें कोर्ट का डर है। इसका मतलब हमें लॉ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमें पुलिस रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और इसके अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टियां राजनेता हैं सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी बनती है कि वो बैठकर इस बात को तय करें और देश को इस बात का आश्वासन दें कि इस तरह की अप्रिय घटना किसी भी स्टेट के अंदर नहीं होंगी। ये बार 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 हो रहा है, चाहे दिल्ली राजधानी हो, यहाँ पे एक लड़की जिसके 35 टुकड़े हो जाते हैं, एक लड़की को 16 चक्कू मारे जाते हैं, एक लड़की को 15 किलोमीटर घसीटा जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ जो उनके आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती? अगर आप एक व्यक्ति को फांसी की सजा देंगे तो मैं समझता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा इस तरह का प्रयास करे। लोगों को कानून का और पुलिस का डर नहीं है, इस बात की देश की सरकार को चिंता करनी चाहिए, राज्य सरकार को चिंता करनी चाहिए।